गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। आइए वापस हम डिस्कस करते हैं आपके फूड क्रॉप में एक और प्लांट, और यहां हम बात करेंगे मेज क्रॉप के बारे में। मेज जिसे कॉर्न कहा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज और फैमिली है इसकी पोएसी। इसके ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डेवलपमेंट हुआ इसका मैक्सिको में सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट अमेरिका के अंदर लगभग 5000 ईयर्स के आसपास। ठीक है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड का लगभग 44% प्रोडक्शन कॉर्न का करता है, मेज का करता है, और इंडिया में ये ग्रो होता है यूपी के अंदर, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये एनुअल हर्ब है, इसकी जो स्टेम है ये अनुराज होती है, रूट्स इसकी एडवेंटिशियस टाइप की हैं, फाइबरस रूट्स होती हैं इसकी, और लोअर नोड से इसका डेवलपमेंट होता है इन रूट्स का, जैसे कि हमने वीट में देखा था। लीव्स इसके लॉन्ग होते हैं, लंबे लीव्स होते हैं इसके, और लिग्यूलेट होते हैं, लिग्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट इसका मोनोशियस है, यानी कि प्लांट या तो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि उस पर मेल या फिर फीमेल फ्लावर्स होंगे जिनमें से कि आगे चल के मेल या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होगा। तो एक प्लांट या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर नहीं होंगे, तो मोनोशियस प्लांट होता है। तो जो इन्फ्लोरेसेंस आती है उसमें दो टाइप की होती है, मेल इन्फ्लोरेसेंस को टैसल कहा जाता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को ईयर या कॉर्म कहते हैं। जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो टर्मिनल पोजिशन पर होती है, स्टेम के बिल्कुल टॉप मोस्ट एंड पार्ट पर डेवलप होती है, और ईयर या कोप जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है वो साइड यानी कि लेटरल पोजीशन यानी एक्सिलरी पोजीशन पे डेवलप होती है। अब देखिए जो इसका ग्रेन है, जो इसका फ्रूट है वो कैरियोप्सिस कहलाता है, और इसके अंदर एंडोस्पर्म जो भ्रूण कोश होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप इसका हार्ड एंड फ्लिंटी टाइप होता है जो कि येलो कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरा टाइप इसका सॉफ्ट एंड फ्लोरी और ये व्हाइट कलर का होता है जिसमें कि स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो मेज जो है ये खरीफ क्रॉप है, यानी कि समर क्रॉप है ये, गर्मी के सीजन में डेवलप होती है। सब ट्रॉपिकल रीजन इसका इसके लिए अच्छा होता है, टेम्परेचर इसे लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए, रेनफॉल इसे पूरे साल भर में 60 to 120 सेंटीमीटर का चाहिए, सॉइल इसे एलुवियल लोम्स टाइप का सॉइल को चाहिए होता है, और ये सन लविंग क्रॉप है यानी कि काफी ज्यादा समय के लिए इसे सनलाइट की आवश्यकता होती है, प्रोलॉन्ग सनलाइट चाहिए, और लॉन्ग एंड हॉट क्लाइमेट इसके लिए काफी अच्छा होता है यानी सुटेबल होता है। इसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है डेवलपमेंट के लिए, और इसमें इरिगेशन यानी पानी कब दिया जाता है जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। मैच्योरिटी लगभग 140 डेज के आसपास इसमें मैच्योरिटी हो जाती है, प्लांट तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब इसका ग्रेन जो है यानी जो इसका फ्रूट है कैरियोप्सिस वो हार्ड एंड ब्राउन हो जाए तब इसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। इंप्रूव्ड वैरायटीज में देखें तो नाम है डेक्लेब इंडिया, डेक्लेब डैश इंडिया डैश वन, से DKI-1 कहा जाता है। एक वैरायटी है इसकी गंगा 5, नेक्स्ट है गंगा 10, एक वैरायटी इसकी हाई स्टार्च कहलाती है, नेक्स्ट है एम्बर, और एक और वैरायटी है इसकी शक्ति। चलिए इसके यूजेस की हम बात करते हैं, तो चपाती बनाने में, कॉर्न मील्स, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स एक्सेट्रा बनाने में काम में आता है, कॉर्न सिरप इससे बनाया जाता है, कॉर्न शुगर जैम्स एंड जेलीज से बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर टाइप की डेक्सट्रोज शुगर इससे बनाई जाती है। अगली है इसमें कॉस्मेटिक्स से बनाए जाते हैं, सिरामिक्स, डाइस, प्लास्टिक्स, शू पॉलिश, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, वार्निश इससे बनाई जाती है। एक मटेरियल होता है विकारा, ये टेक्सटाइल फाइबर है और ये प्रिपेयर किया जाता है एक मटेरियल से जिसे कहा जाता है जीन, और ये जीन वो मटेरियल है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में फोमिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, मेडिसिनल यूज भी है इसके कुछ, इससे इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ एल्कोहल्स के टाइप भी बनते हैं जैसे एथाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डीसॉल्व। कुछ एसिड्स भी इससे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसके ऊपर जो छिलका होता है इसके ग्रेन के ऊपर जिसे हस्क कहा जाता है उससे चटाइयां यानी मैट्स बना सकते हैं, हैक्स, और ये मैट्रेस के अंदर फिलिंग के लिए भी काम में लिया जाता है। अब इसका जो स्टॉक है और इसके जो पत्ते हैं
यानी कि जो उसकी कटाई के बाद में स्टेम और पत्ते रह जाते हैं उनका भी यूज है, वो पेपर बनाने में, पेपर बोर्ड बनाने में और बॉल बोर्ड बनाने में काम में लिया जाता है। तो यहाँ हमने एक और फूड क्रॉप को स्टडी किया जिसका नाम था मेज़। नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्रॉप को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।